इवन लाइफ वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारा चैनल सभी प्रकार के जानकारियों की ट्यूटोरियल वीडियो प्रदान करता है। आज मैं प्रदर्शित करूंगी कि AI टूल का उपयोग करके निशुल्क 360 डिग्री पैनोरमिक इमेज कैसे जनरेट करें। इन AI जनित छवियों का उपयोग अपने सोशल मीडिया वीडियो गेम्स या 3D प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं। वीडियो को 3 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में हम मूलभूत कार्यों का पता लगाएंगे और उनका उपयोग करेंगे। 2 में हम विभिन्न संकेतों के साथ प्रयोग करेंगे। अंत में भाग 3 में मैं आपको दिखाएंगी कि इन AI जेनरेट की गई इमेज से वीडियो कैसे बनाया जाता है। क्योंकि ये वीडियो सामान्य उद्देश्यों को लक्षित करता है और उन मामलों का उपयोग करता है का पालन हर कोई कर सकता है, से AI टूल का उपयोग करके लाभान्वित हो सकता है। ने वीडियो पृष्ठभूमि या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए वीडियो परिणामों का उपयोग कर सकते हैं। चलो शुरू हो जाओ। से AI टूल का उपयोग करने के लिए आपको कोई खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो विवरण में मैंने जो लिंक दिया है बस उसे खोलें। स्काईबॉक्स पेज पर रिडायरेक्ट करने के लिए विजिट स्काईबॉक्स AI बटन पर क्लिक करें। आप दृश्य को घुमाने और बदलने के लिए स्क्रीन पर क्लिक और ड्रैग कर सकते हैं। अब एक प्रॉम्प्ट बनाते हैं और अलग अलग रंग और स्टाइल आजमाते हैं। आप मेरे संकेत को अंतिम पृष्ठ से कॉपी कर सकते हैं। बस प्रॉम्प्ट को कॉपी और पेस्ट करें, रंग स्टाइल चुनें और जनरेट पर क्लिक करें। रंग शैली को बदलकर एक एकल संकेत आपको विभिन्न परिणाम दे सकता है। सबसे अच्छी शैली चुनें जो आपकी आवश्यकताओं से मेल खाती हो। वांछित परिणाम मिलने के बाद इसे JPG प्रारूप में डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। हम भाग 3 में इस छवि से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन इससे पहले आइए आपको ये दिखाने के लिए कुछ संकेत देते हैं कि यह AI टूल कैसे काम करता है। आप मेरे सभी संकेतों को मेरे ब्लॉग पोस्ट से कॉपी कर सकते हैं। आइए आप अपनी AI जेनरेट की गई छवि का उपयोग करके एक वीडियो बनाएं। लेकिन पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास एक स्क्रीन रिकॉर्डर है। आप अपलोड योर 360 इमेज पर क्लिक करें और अपनी 360 डिग्री पैनोरमिक इमेज चुनें। इसके लोड होने के बाद 360 इमेज अपने आप चलने लगेगी। स्पीड बटन पर क्लिक करके आप प्ले स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। आप टॉगल रोटेशन डायरेक्शन बटन पर क्लिक करके रोटेशन की दिशा भी बदल सकते हैं। सब कुछ सेट हो जाने के बाद शरक सब खोले, कैप्चर मेनू पर क्लिक करें और स्क्रीन रिकॉर्डिंग विकल्प चुनें। अब अपनी वीडियो प्लेबैक स्क्रीन को अधिकतम करें। रिकॉर्डिंग समाप्त करने के बाद आप अपने पसंदीदा वीडियो संपादक का उपयोग करके अपनी रिकॉर्ड की गई स्क्रीन को ट्रिम कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक बटन दबाएं। मिलते हैं मेरे अगले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल वीडियो में। अलविदा। यारों लाइक करो। नमस्ते।